6.61 लाख रुपए दान करके मिसाल बनी भीख मांगने वाली ये महिला। शहीदों के नाम की जीवन भर की पूंजी दान। जी हाँ, भीख मांगने वाली महिला के इस नेक काम के लिए 1 लाख तो बनता ही है। हमारा समाज कितना संवेदनशील और दयालु है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक भीख मांगने वाली औरत भी अपने मांगे हुए पैसों को देश और समाज के लिए न्यौछावर कर देती है। ये मामला अजमेर का है और यहाँ एक बुजुर्ग महिला भीख मांगकर अपना गुजारा कर दी थी। हालांकि महिला का पिछले साल अगस्त में देहांत हो गया। उन्होंने इन पैसों के उपयोग के लिए एक वसीयत बनाकर रखी थी जिसमें इनका इस्तेमाल समाज के हित के लिए करने के लिए कहा गया था। अब महिला के संरक्षकों ने इन पैसों को पुलवामा में शहीद हुए जवानों के नाम पर दान करने का फैसला किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला भिखारण का नाम नंदिनी शर्मा था। नंदिनी ने मरने से पहले इच्छा जताई थी कि उसके जुटाए हुए पैसों को समाज और देश के हित में लगाया जाए। लोग बताते हैं कि नंदिनी अजमेर के बजरंगगढ़ में स्थित अंबे माता मंदिर के बाहर भीख मांगती थी और वहीं से उन्होंने ये पैसे इकट्ठा किए। वो अपने पैसे हर दिन बैंक में जमा करती थी और अपनी मौत के बाद इन पैसों का ख्याल रखने के लिए उन्होंने 2 लोगों को अपना संरक्षक बना रखा था। नंदिनी के संरक्षकों ने उनकी मौत के बाद काफी इंतजार किया और फैसला किया कि सही समय आने पर इन पैसों को दान किया जाएगा। हाल ही में जब पुलवामा में आतंकी हमलों में 44 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए तो पूरा देश दहल गया और लोग उनके परिजनों की मदद करने के लिए आगे आए। इस मौके पर नंदिनी के पैसों की देखभाल करने वाले लोगों को लगा कि यही सही मौका है, इसमें दान करने से नंदिनी को सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। अजमेर के कलेक्टर विश्वमोहन शर्मा ने बताया कि नंदिनी के संरक्षक मेरे दफ्तर में आए और इन पैसों को मुख्यमंत्री राहत कोष में देने की बात कही जिससे शहीदों के परिवार की मदद हो सके। लीगल सेल ने औपचारिकताएं पूरी की और पैसा लेकर उन्हें एक सर्टिफिकेट जारी कर दिया। नंदिनी के संरक्षक संदीप गौर कहते हैं कि भले ही उनकी कमाई भीख मांगने से आई हो लेकिन वो इसे देश के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। हमें लगा कि सीआरपीएफ जवानों के परिवार की मदद के लिए इसका उपयोग किया जाना सही है। तो इस भीख मांगने वाली महिला के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।